पुराना रिकॉर्ड भूलकर नए इतिहास बना रहा है ऋषभ पंत का कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स का टीम। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में किस तरीके से मुंबई इंडियंस के ऊपर अपने दबदबा पेश किया ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल्स। आइए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं टोटल 9 चीज़ों के ऊपर जहाँ पे मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेले गए मैच में टॉस कैसे जीतकर मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग का फैसला लिया था, उसके बाद प्लेइंग 11 में क्या बड़े बदलाव था, मुंबई और दिल्ली दोनों टीम का प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसे रहा था, पावर प्ले में दोनों टीमों का स्टेटस कैसे था, मैच में क्या क्या माइलस्टोन हासिल हुआ है, इस तरीके से लास्ट दो ओवर में हरा हुआ मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है, इस मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला है और इस मैच के बाद ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का बयान क्या रहा है, ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको डिटेल्स में मिलेगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को पसंद करते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन है बेहतर कप्तान ऋषभ पंत ना रोहित शर्मा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस मैच में मुंबई इंडियंस टीम ने अपने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया जहाँ पे दोस्तों मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे जयंत यादव को खिलाया, तो कुछ इस प्रकार था मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 जहाँ पे क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, जयंत यादव जो नए क्रिकेटर स्पिनर है उनको मौका दिया गया, इसके अलावा राहुल चार, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट शामिल थे। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात किया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे ललित यादव के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया क्योंकि ये अच्छे फॉर्म में थे, इनके अलावा टीम के साथ शिमरन हिटमैन का वापसी करवाया और साथ में सुपरस्टार क्रिकेटर अमित मिश्रो का भी टीम में वापसी किया। तो इस प्रकार था दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 जहाँ पे दोस्तों पृथ्वी शॉ, शेखर धवन ओपन, मिडिल ऑर्डर में स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनिस के साथ शिमरन हिटमायर, ऑलराउंडर में ललित यादव, रवि अश्विन, कगिजोर रवाड़ा, अमित मिश्रो और आपेश खान शामिल हैं। तो दोस्तों इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया था, हालांकि दोस्तों टॉस के दौरान एक बहुत ही मजेदार चीज़ देखने को मिला जो इससे पहले कभी टॉस के दौरान देखने को नहीं मिला है। दोस्तों रोहित शर्मा को ऋषभ पंत ने गुदगुदी लगाते हुए इस टॉस के दौरान देखा गया है। मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया जब दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले ओवर में ही मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका दे दिया, क्विंटन डी कॉक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद दोस्तों मैच का रूप पूरा पलट गया, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का साझेदारी, दोनों दिग्गज के बीच में दोस्तों 65 रन का साझेदारी होते हैं, दोनों दिग्गज ने पावर प्ले का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे और जमकर धुलाई करे दिल्ली कैपिटल्स का हर एक बॉलर को। जबकि सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 12 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन जड़े, 12 गेंदों में 25 रन 200 से ऊपर उनका स्ट्राइकर रेट रहा जिन्होंने 2 चौके और 2 छक्के जड़े। तो दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा तो इस मैच में अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे, वो सिंगल हैंडेड छक्का जड़ रहे थे, तो इस मैच में उन्होंने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बना डाला। एक समय ऐसे लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई का चिपक स्टेडियम का स्पीच पे मुंबई इंडियंस ना 200 रन बना दे। पावर प्ले खत्म होने के बाद एक मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में ऋषभ पंत, रिकी पॉन्टिंग और मोहम्मद कैफ के बीच में हुआ, फिर जो हुआ वो किसी ने शायद सोचा तक नहीं था। सिर्फ 17 रनों के अंदर मुंबई इंडियंस का 6 विकेट गिर जाता है, ऐसे कमाल की कप्तानी सिर्फ ऋषभ पंत ही कर सकता है। सबसे पहले रोहित शर्मा, उसके बाद दिग्गज बैट्समैन हार्दिक पांड्या, क्रुणाल और करण पोलार्ड को तो सिर्फ मोबाइल डिग्री में ही आउट करा लिया। हार्दिक बिना खाता खोले तो क्रुणाल ने 1 रन बनाकर, तो करण पोलार्ड ने सिर्फ 2 रन बनाकर जब आउट हुए तो मुंबई का स्थिति पूरा पलट गया। फिर फंसे मुंबई इंडियंस, तो इस मुश्किल स्थिति में मुंबई इंडियंस टीम का सहारा बने ईशान किशन और डेब्यू क्रिकेटर जयंत यादव, दोनों मिलकर अपनी टीम को 120 से ऊपर लेके गया। अंतिम कुछ ओवर में फिर यहाँ पर ऋषभ पंत का बहुत ही शानदार कप्तानी देखने को मिला, लगातार बॉलर को चेंज करते रहे तो आबिश खान, अमित मिश्र और साथ में कगिजोर रबाडा ने मुंबई को तोड़ फोड़ कर डाला और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ यहाँ पर मुंबई टीम ने 137 रन बनाया। स्पीच में मुंबई इंडियंस के 5 जो अच्छे बॉलर है 137 रन डिपेंड कर सकता था, बट होने नहीं दिया यहाँ पे शेखर धवन और स्टीवन स्मिथ ने, पहले जल्दी विकेट पृथ्वी शॉ के रूप में गंवाने के बाद शेखर धवन और साथ में स्टीवन स्मिथ के बीच में एक अच्छे साझेदारी होते हैं। स्मिथ ने इस मैच में 29 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाकर कायरन पोलार्ड का शिकार बनते हैं। फिर यहाँ पे गब्बर ने ललित यादव के साथ मिलकर एक अच्छे साझेदारी करते हैं, इसमें भी ऋषभ पंत का बहुत ही अच्छी कप्तानी देखने को मिला जिन्होंने ऊपरी क्रम में ललित को प्रमोट करते हुए मैच का पाता अपने तरफ कर लिया। फिर ऋषभ पंत का जल्दी विकेट गिरने के बाद भी यहाँ पे शिमरन हिटमैन और ललित ने अंतिम ओवर में मैच को पलट दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले और 4 ओवर में 24 रन कट करते हुए 4 बहुत बड़े दिग्गज क्रिकेटर का विकेट लेने वाले अमित मिश्र को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड में घोषित किया गया। इनके अलावा दोस्तों इस मैच में बहुत ही सुंदर छक्के जड़ने वाले रोहित शर्मा को भी सिक्सर किंग का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों इस मैच खत्म होने के बाद ऋषभ पंत जमकर तारीफ करे अमित मिश्र, शिखर धवन और ललित यादव को, क्योंकि टीम इंडिया के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स मुंबई के खिलाफ ये मैच में जीत दर्ज कर पाया है। स्पेशली दोस्तों 2020 का याद मैं आपको करा दूं, जब 4 बार मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार हुआ था, ऋषभ कप्तान बनने के बाद ही सारे चीज़ पलट दिया ऋषभ ने अपने कप्तानी का जादू में। अच्छा दोस्तों मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा भी ऋषभ पंत से बहुत खुश है, क्यों ना हो, जुबा ऋषभ पंत को हमेशा रोहित सपोर्ट किया है। मैच शुरू होने से पहले भी
रोहित ने ऋषभ को कप्तानी का टिप्स दिया था, उसके बाद ही ऋषभ को पहले ही सफलता हासिल हो गया, जो देखकर बहुत खुश है रोहित शर्मा। अपोजिशन कप्तान होने के नाते भी रोहित शर्मा ने सबका दिल जीत लिया। आपका दिल जीत पाया कि नहीं, जरूर आप कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, बाय।